गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कल्पना स्पेशल में। सो आज है नवमी और आज के दिन हम कन्या पूजन करते हैं और आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएँ। माँ सिद्धिदात्री आप सभी को प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज कन्या पूजन भी है मेरे घर में। मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा लगभग हो चुकी है। भोग लगाने जा रही हूँ, आरती करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद कन्या पूजन होगा। भोग प्रसाद सब बन चुका है, अभी मैं आपको माता रानी के दर्शन करवा देती हूँ। ये है माता रानी का स्वरूप आज का, माँ सिद्धिदात्री का, और दर्शन कर लीजिए आप सभी। अभी मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ पूजा वगैरह और भोग वगैरह कंप्लीट कर लूँ, फिर अच्छे से दर्शन करवाती हूँ आपको माता रानी के। ओके जय माता की, जय माता की। आपका नाम बताओ। रोशनी। आपका? रोशिका। आपका? अनुष्का। माता आपका? आपका नाम बताओ। आपका नाम? आपका नाम? तेजस्वी। आपका नाम? उनके लिए आसन बनाओ। इसमें से एक लड़की कह रही है मैं डांस करूंगी। मेरे घर में पंच के नाचे कितनी अच्छी बात है। कोई कन्या बोली मैं गाना गाऊंगी, कोई कन्या बोली मैं डांस करूंगी। मिक्स दो जोड़ो। आप गाना गाओगे? कौन सा गाना गाओगे बताओ? डांस करेंगे। गाना बताओ कौन सा गाओगे? ये डांस करूंगी। आप डांस कृष्ण बैग। अच्छा कितनी कितनी कमाई हुई सबकी? अच्छी 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 बता दो। मेरे 100 है। मेरे 100 देर में कोई डाकू ना दूंगा, बहुत तुम्हारे पास संभाल लूंगी। आज के दिन तो कन्या है, क्या होती है? रिच। क्या होती है? रिच होती है। पर्स इज फुल। मम्मा को भी उधार देने की कंडीशन आ जाती है। छुट्टियां चल रही होंगी आजकल तो सबकी। और फिर कल दशहरा देखने कौन कौन जाएगा? रावण को जलाने, तलवार खरीदने। राम मामा है, लक्ष्मणी है। तलवार खरीदने कौन जाएगा? आई तो 11-12 थी। दो आप गाओगी गाना? बोले भाई उसका दिन तो बड़ा खोला होता है। चाहिए आकांक्षा जाएगी? आकांक्षा आप गाओगी? आंटी हाँ आंटी आएगी। अभी 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 कन्या खिला लूँ फिर देखो सबको एक्साइटमेंट हो रही है। तो कौन है? कोई बात नहीं, जल्दी घंटे किसी को ज्यादा चाहिए तो बोलना, शर्माना नहीं। आपका अपना घर है तो मतलब नहीं, कोई नहीं शर्माना। साल में और भी कभी दर्शन ले जाया करो आपको। जय माता की बोलो। जय माता की बोलते रहो। जय माता की, जय माता की। चुटकू जय माता की बोलो बच्चे, आप लोग इतने प्यारे हो। जय माता की बोलो। जय माता की। जय माता की। ज्यादा दिमाग चल गया। लाइफ इज गोइंग टू गुड। जय माता की। किसा माता का नाम ले लो कितना अच्छा है। इसमें है पाइप अभी। मैं देती बेटा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। हाँ वो पाइप दे दो मुझे, उसको पाइप चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा। जय जयकारा महामाई का। जयकारा महा।
साचे दरबार की जय। भूल जाती हूँ बेटा, याद दिला देता है। आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, ठीक है? वेलकम। जय माता दी। मैं तो पूरा पड़ गया, बुंदे जा रही पूरा पड़ गया। जो भी मेरी स्टूडियो में सो रहा है। सो हो चुका है हमारा हवन और पूजा भी हो गई कंप्लीट। भी लग चुका है माता रानी को हलवा पूरी छोले का भोग। और ये है मेरी माता रानी। आज थोड़ा धुआं धुआं हो रखा है क्योंकि हवन हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा धुआं हो रखा है। और मेरी पूजा संपन्न हो गई है। आप सबने देखा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बच्चों के लिए मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी। सो मैं भी चेंज वेंज कर चुकी हूँ क्योंकि वो इतना हैवी था, मेरे से पहन के काम नहीं हो रहा था, सीढ़ियों में बार बार उतरना चढ़ना। चेंज करके मैंने थोड़ा फ्रेश लेमन कलर का सूट डाल लिया है। और देखा आपने, मेरी पूजा वूजा हो चुकी है आज की, नवरात्रों की और नवमी की कन्या पूजन भी हो गया है। और बच्चों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट लेकर के आई थी जो उनको खाने पीने में अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर बच्चे आज हलवा पूरी को मुंह नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए जूस लेके आई थी और वेफर्स लेके आई थी, चॉकलेट्स लेके आई थी, टॉफ़ीज़ वगैरह लेके आई थी। ये उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और एक चीज़ मैं भूल गई, इतना सारा सामान यहाँ रखा था और एक चीज़ मैं उनको देना भूल गई, ये डब्बा, ये खुला ही नहीं। मैंने अब भी देखा इसको, ओह मेरे को लगा ये तो रह गया बच्चों को। अब जो बच्चे मेरे आसपास रहते हैं उनको तो मैं दे दूँगी, लेकिन जो दूर से आए थे वो रह गए। मेरे को बहुत दुख हो रहा है सोच के कि बच्चों को ये गिफ्ट रह गया। बाकी फ्रूट वगैरह भी बांटे और मनी वगैरह भी दिया, सब हो गया। बड़े अच्छे से हवन हो गया, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। और ये जो धुआं लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सब हवन का ही है। इस धुआं को मैं अभी निकलने नहीं दूंगी अपने घर से क्योंकि ये नेगेटिविटी को नष्ट करता है। इस वजह से थोड़ा देर ये रहेगा घर में धुआं, उसके बाद ही मैं एडजस्ट फैन चलाऊंगी। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हवन की, इसलिए मेरा मन कर रहा है अभी ये पूरे घर में रहे। सो थोड़ा सा प्रसाद खा लिया है, बस मुझे उठा करना था क्योंकि भूख लगी थी और ज़्यादा अभी खाया नहीं है। लंच करेंगे आराम से, अभी टाइम नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। और ये थे मेरे 9 दिन के नवरात्रि की पूजा और कन्या पूजन और ये सब चीज़ें। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब करके, बहुत पॉजिटिविटी आई, बहुत एनर्जी फील हो रही है। बहुत ऐसा फील हो रहा है कि नाउ आई एम रेडी पूरा साल के लिए, चाहे कोई भी काम हो, कुछ चुस्ती फुर्ती वाला या कुछ भी हो, उसके लिए मैं अब रेडी हूँ। मैं एनर्जी से भर चुकी हूँ। पहले पापा जी आशीर्वाद दे के गए खूब सारे, अब माता रानी ने आशीर्वाद दिए। सो हो गया सब कुछ समापन। कल दशहरा है और फिर उसके बाद फिर से तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी चीज़ों की। त्यौहार फेस्टिवल तो अब चल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो कल उम्मीद करती हूँ कि कहीं जाने को मिले देखने को दशहरा, या आज कहीं जाने को मिले शाम को। अभी तक तो अखंड ज्योत थी इसलिए मैं कहीं नहीं निकल रही थी अखंड ज्योत को छोड़ के। अभी शाम को मैं कोशिश करूँगी कि मैं कहीं जाऊँ दुर्गा पूजा वगैरह में। भी पंडाल तो उठ चुके होंगे, मेरे को मुझे लगता नहीं है कि मुझे दर्शन होंगे माता रानी के कहीं भी। पर हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे CR पार्क है और ऐसी जगह है जहाँ जहाँ पर बहुत हैवी दिल्ली की काफ़ी बड़ी दुर्गा पूजा होती हैं, तो जाके देखती हूँ। कोशिश करती हूँ घर से निकलने की आज, और
दर्शन करने के माँ के, और आज नहीं भी निकल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, कल निकलेंगे दशहरे के लिए, कहीं देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, अगर आज दिन में कुछ और एक्साइटिंग हुआ तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, वरना आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो आप कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।